नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर आफताब का वायरस, आपको बता दें कि वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में पुलिस लगातार जुट गई है। आफताब को सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है, जहां पर पुलिस को आफताब का अहम ऑडियो मिला है। बता दें कि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, जहाँ पर श्रद्धा आफताब की आपसी बहस का ये ऑडियो मिला है। और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर श्रद्धा आफताब मामले में इस एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है और वॉइस सैंपल लेने की पुलिस तैयारी में है। आफताब को सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है और इस दौरान दिल्ली पुलिस को बता दें कि आफताब का अहम ऑडियो मिला है, जिसके बाद से इस मामले की तफ्तीश और जुट गई है और पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटती हुई नजर आ रही है। श्रद्धा मामला जो है ये काफ़ी ये ऐसा एक मामला है जिसको लेकर आफताब पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस मामले को लेकर बता दें कि श्रद्धा की 35 टुकड़े आफताब के द्वारा किए गए थे, जिसके बाद से पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान बता दें कि आफताब का एक अहम ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले को लेकर ऑडियो को लेकर जाँच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आफताब श्रद्धा मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, उसका वॉइस सैंपल जो है वो अब पुलिस लेने की तैयारी में है। इस मामले को पुलिस और किस किस एंगल से जांच करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरीके से आफताब श्रद्धा मर्डर केस में आफताब को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश एक तरीके से की गई थी, उसको लेकर जांच जो है वो अब लगातार आगे बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली पुलिस आफताब का वॉइस सैंपल लेने के लिए पहुंची और उसको लेकर लोधी रोड जो स्पेशल का ऑफिस है वहां पर लेकर गए हैं, वहां पर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। कहा कुछ ऑडियो है जो पुराने आफताब और श्रद्धा के मिले थे, फोन से जो फोन फॉरेंसिक के लिए गया था उसमें मिले हैं, पाए गए हैं, जिसको मैच करने के लिए ऑडियो सैंपल एक वॉइस सैंपल आज लिया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है कार्रवाई, जांच आगे बढ़ रही है, उसको लेकर भी अगर दूसरी तरफ बात करें श्रद्धा के माता पिता की, तो वो भी परसों दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी, अपनी बात रखी थी और साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि किसी तरीके की भी कोई भी रियायत इसमें ना बरती जाए, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में उफान आया था, एक गुस्से का माहौल था कि 35 टुकड़े एक लड़की के किए जाते हैं और उसके बाद एक जिस तरीके से कार्रवाई होती है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां जो इस पूरे मामले को जांच में जुटी हैं वो पूरी तत्परता से अभी आगे बढ़ रही हैं और कई सारे एंगल्स पर इस टाइम काम किया जा रहा है, तहकीकात की जा रही है। हालांकि आज कह सकते हैं कि जो है इनका वॉइस सैंपल आज आफताब का लिया गया, जिसको लेकर लोधी रोड स्पेशल सेल ऑफिस पहुंची है पुलिस। जी सैयद, कहा यह जा रहा था कि श्रद्धा जो है वो आफताब पर शादी को लेकर लगातार दबाव बना रही थी और इसको लेकर लगातार उनके बीच में लड़ाइयां होती थी, जिसके बाद से आफताब ने ये कदम उठाया। ये एक वॉइस सैंपल जो सामने आया है, इस वॉइस सैंपल में और क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आफताब ने कदम उठाया है, जिस तरीके से उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं, यह कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर इस मामले को जहां तक धर्मांतरण से जोड़ा गया, इस तरीके से इस मामले को और कई एंगलों से जोड़ा गया, जिसके बाद से ये वॉइस सैंपल का मिलना, कहीं ना कहीं अब इस वॉइस सैंपल में कुछ और क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर पुलिस अब इस मामले को इस वॉइस सैंपल से जोड़ेगी और इसके बाद इसकी तफ्तीश करेगी? अब देखिए सोनाली, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए वॉइस सैंपल या दूसरी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। अगर हम वॉइस सैंपल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि वॉइस सैंपल कब लिया जाता है, जब कुछ इस तरीके का क्लू या सुराग पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको मैच करने के लिए वॉइस सैंपल लिया गया है कि आफताब का, जबकि आफताब श्रद्धा की माँ का ये कहना था कि लड़ाई झगड़े होते थे बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस थे रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेकर बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर फोन पे कई बार बात हुई थी, तो पुलिस ने उन सभी डाटा को रिकवर किया और उसमें कुछ जो वॉइस सैंपल्स मिले हैं उससे मैच कराने के लिए आज आफताब को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लेकर आई है वॉइस सैंपल लेने के लिए। तो अब वॉइस सैंपल लेने के बाद जो रिकॉर्डिंग मिली है
आफ्ताब के फोन से उससे मैच किया जाएगा और किस तरीके से क्या क्या चीजें निकल के आने वाली हैं ये तो जांच का एक विषय जरूर है और थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें। जी बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और इस मामले में जिस तरीके से ये अपडेट आया है कि वॉइस सैंपल लेने लेकर पुलिस अब इस मामले को एक अलग रुख देगी, इस मामले को लेकर सीबीआई मुख्यालय आफ्ताब को लाया जाएगा और जिसके बाद से दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेकर इस मामले को और अच्छे से जांच पड़ताल करेगी। सैयद आप हमारे साथ बने रहे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया गया है, पुलिस इस मामले को लेकर अब एक अलग जांच की मूड में नजर आ रही है और बता दें कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे, उसके बाद से आफ्ताब को लगातार पुलिस आफ्ताब के इस मसले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, तमाम सुरागों को खंगालती हुई नजर आ रही है और इस वक्त की अहम जानकारी जहां पर एक ऑडियो वॉइस ऑडियो के जरिए पुलिस इस मामले की और तफ्तीश में जुटी हुई है। जिस तरीके से श्रद्धा मामले को लेकर धर्मांतरण का मामला सामने आया था और इस मामले को एक अलग रुख दिखा दिया गया था, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इसी से रिलेटेड दे दे आपको, जहां पर बता दें कि तुनिशा सुसाइड केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इस मामले को भी धर्मांतरण से जोड़ा गया है। साथ ही बता दें कि तुनिशा श्रीजान के कॉल मैसेज की जाँच की जा रही है, आत्महत्या से पहले श्रीजान के साथ लंच पर गई थी बता दें कि तुनिशा और इस दौरान दोपहर 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच क्या कुछ हुआ ये अहम सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसके बाद से ही लंच के बाद से ही तुनिशा ने सुसाइड जैसा कदम उठाया था और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बता दें कि इस मामले को लेकर भी धर्मांतरण से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लगातार तुनिशा जो है श्रीजान पर शादी को लेकर दबाव बना रही थी और कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद से तुनिशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर तुनिशा और बता दें कि श्रीजान के कॉल मैसेज की अब जांच की जा रही है और आत्महत्या से पहले श्रीजान के साथ बता दें कि तुनिशा लंच पर गई थी, जिसके बाद से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। बता दें कि तुनिशा सुसाइड केस को लेकर यह बड़ा खुलासा, बता दें कि इस दौरान कॉल और मैसेज की जांच करेगी पुलिस और इस दौरान और भी इस मामले को लेकर जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, इस मामले को लेकर भी पुलिस हर मुद्दों को खंगालेगी और किस तरीके से इस मामले को लेकर तुनिशा ने आत्महत्या का जो कदम उठाया है, क्यों उठाना पड़ा उसको यह आत्महत्या का कदम, इस पर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में है, जहां पर बता दें कि इस दौरान दिल्ली यात्रा के दौरान आज सुबह राहुल गांधी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप तस्वीर भी वहां कर देख रहे हैं, जहां पर लगातार राहुल गांधी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही बता दें कि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और जिसको लेकर राहुल गांधी आज पहुंचे हैं और इस दौरान राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाधि स्थल पर राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और इस दौरान वहां पर बता दें कि उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और बता दें कि भारत जोड़ो जो यात्रा है ये इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और इस दौरान इसको लेकर परसों राहुल गांधी ने लाल किले से संबोधित किया था और इस दौरान तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही थी और आज बता दें कि राहुल गांधी जो है वहां अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद एक बार फिर जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से राहुल गांधी कि जो भारत जोड़ो यात्रा है अब दिल्ली पहुंच गई है और इस दौरान जो राहुल गांधी है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हुए, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल सोनाली, देखिए आज जिस तरीके से 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक का कार्यक्रम था, जिसमें राहुल गांधी सीधा पहले वीरभूमि गए, अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, फिर शक्ति स्थल गए, फिर शांति वन में गए, फिर लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल गए और राजघाट पे बापू की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि दी। तो ये सी बात है, जिस तरीके से लगातार जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, आज 110वां दिन था, 24 तारीख को 108 दिन में दिल्ली में प्रवेश किया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने। आज सभी जितने भी बड़े महापुरुष थे, जितने भी कह सकते कि बड़े नेता थे, जिनकी समाधि स्थल जो है राजघाट पर वीरभूमि में है, वहां पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कर दिया कि आगे बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, जिसकी एक वानगी देखने को मिली है। फिलहाल राहुल गांधी आज दिल्ली में पड़ाव रहेगा, उसके बाद 1 तारीख से दोबारा से रिज्यूम होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें यूपी के 3 जिले हैं, उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद पंजाब है। इस तरीके से होते हुए कश्मीर तक पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी सोनाली, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी अब दिल्ली पहुंचे हैं, और इस दौरान उनके साथ जब वे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर परसों दिल्ली पहुंचे थे, तो उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने लाल किले से बीजेपी पर जमकर हमला भी किया था। अब राहुल गांधी जिस तरीके से बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को और रोचक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जिस तरीके से समाधि स्थल पर वे पहुंचे हैं और इस दौरान वे जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये अलग तरीके से अलग रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। सैयद, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पिछले 110 दिन से, अगर हम आज से लेकर पिछले 110 दिन की बात करें, तो 10 राज्यों को में तकरीबन भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, और अलग अलग जहां पे भी किसी भी महापुरुष या बड़े नेता की कोई समाधि स्थल या इस तरीके की चीजें दिखी हैं, तो राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। मंदिर से लेके मस्जिद तक, कहते हैं मजार तक, राहुल गांधी ने माथा टेका है। तो एक बार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 2024 जो तैयारी थी और कांग्रेस उसमें पूरी तरीके से सफल होती नजर आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि जो जन समर्थन मिल रहा है लगातार राहुल गांधी को, उससे कहीं ना कहीं है। जैसे बीजेपी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जिस तरीके भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, अलग अलग बयान आ रहे थे जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से प्रखर हो रही थी, मुखर हो रही थी और बयानबाजियां चल रही थी, तो राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल जरूर है। देश की राजधानी में जब प्रवेश किया गया, उसके बाद कोरोना संक्रमित को लेकर भी गाइडलाइन जारी करने की बात कही गई। खुद मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को बोला कि आप अपना कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करवाएं और इस तरीके की चीजें हैं, तो इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया कि सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा कर बीजेपी इस तरीके के कदम उठा रही है। लेकिन कोरोना के मामले लगातार जिस तरीके से चीन में बढ़ रहे हैं, उसके बाद देश में या भारत में संक्रमण ज्यादा ना फैले, उसको लेकर एहतियात बरतने की जरूरत थी, जिसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन वही साफ तौर पर कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का थोड़ा सा घबराना भी लाजमी है, क्योंकि जो जनसमर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लौटाने में जरूर मदद कर सकता है। सोनाली, सैयद, लेकिन जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव वादा है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा को लगातार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा का और भी जो बीजेपी है या और भी है उन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या राहुल गांधी के साथ, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ वहां पर तमाम एक जनसंख्या देखने को मिली, तमाम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन क्या 2024 में इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कुछ अलग रुख अपना पाएगी? बिल्कुल, देखिए रुख अपना लिया गया है सोनाली। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्टार्टिंग की गई थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात कही गई थी, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि राहुल गांधी एक कहीं ना कहीं अपना जो रूप है, जो एक राहुल गांधी को दर्शाया गया आज तक, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो जनता के बीच में हो, उस छवि को पूरी तरीके से बिल्कुल बदलने की कोशिश कवायद में कांग्रेस और खुद राहुल गांधी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस कवायद को पूरा भी किया है और काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो ये जरूर कहा जाता है 2024 की शुरुआत जरूर है, जिसके भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो साफ तौर पर है राहुल गांधी कांग्रेस को एक बार दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश में जो लगे हैं, उसमें काफी हद तक कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। आप देखना यह है कि 2024 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, उसके बाद इसका असर कितना देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वक्त जरूर है, साल भर के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़े हैं, उसमें आज कई जो बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे उनके खुद पिता राजीव गांधी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, या दूसरे जो बड़े नेता देश के रहे हैं जिनका योगदान देश के लिए रहा है, उन सभी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की और साफ तौर पर यह संदेश देने की किधर राहुल गांधी, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी देती है, वो असल में सबके साथ और सबके विकास की बात राहुल गांधी करते हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। सोनाली,
बिल्कुल सैयद कहा, सही कहा आपने। जिस तरीके से राहुल गांधी आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2024 में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये क्या काम आएगी, क्या राहुल गांधी की अलग छवि दुनिया के सामने आएगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें कि राहुल गांधी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साफ तौर पर यह कहा है कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस दौरान बता दें कि सैयद हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी जाएगी, उसके बाद से हरियाणा की तरफ रुख लेते हुए नजर आएगी और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अपनी एक अलग छवि दुनिया के सामने प्रकट करने में लगी हुई है। और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2024 में यह भारत जोड़ो यात्रा जिसको कांग्रेस ने निकाला है यह किस तरफ जाता है, क्या जनता के बीच में कांग्रेस की अलग छवि सामने आती है, क्या जनता अब कांग्रेस पर भरोसा जताती है। नए साल पर अगर आप नेपाल जाने में सोच रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि नेपाल के बेलहरिया से काठमांडू तक एक ऐसा बता दें कि गिरोह काम कर रहा है जो ना सिर्फ पर्यटकों को लूट रहा है बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ ही लड़की के व्यापार और साथ ही ड्रग्स लेने के आरोप में जीवन भर नेपाल में सड़ाने की धमकी भी दे रहा है। राजस्थान से नेपाल गए 5 लोग इस लूट का शिकार हुए हैं। बता दें कि पीड़ितों ने सानोली पुलिस को तहरीर देकर न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें कि सिलोनी पुलिस को लगातार पीड़ित ज्ञापन देकर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान नेपाल में पर्यटक के साथ लूट का ये मामला सामने आया है, जहां पर बता दें कि 5 जो पीड़ित है ये इसके शिकार हुए हैं, जिसके बाद से लगातार वे सोनोली पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से न्याय की मांग करते हुए नजर आए। सर, हम लोग काठमांडू दर्शन के लिए गए थे तो एक बंदा हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया, वहाँ से काठमांडू से 10 किलोमीटर पहले ही, और वो हमें होटल में ले गया, गए आपको रूम दिला दूंगा। होटल में ले जाने के बहाने हमसे ले गए और वहाँ सर हम के छोड़ के वो बंदा तो निकल गया। वहाँ 2 जने थे पहले और 5 मिनट में 10-15 जने आ गए और हमको लॉक कर दिया और मारपीट करने लगे। हमसे पैसे जो भी थे हमारे पास कैश वो उन्होंने ले लिया, नहीं दे विरोध करने पर मारपीट करने लग गए। हम राजस्थान से आ रहे हैं अजमेर ज़िले से और काठमांडू पशुपति जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए घूमने जा रहे थे। वहाँ काठमांडू में प्रवेश करते ही एक लड़का आया और हमें रूम के लिए बोला और हमें रूम भी चाहिए, तो वो हमारे साथ बैठ के चले गए और रूम पे ले जाके हमारे साथ मारपीट करने लगा और हमारे पैसे छीन लिए और मोबाइल्स को छीन के मोबाइल से भी अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काठमांडू के लिए निकले तो काठमांडू में होटल के लिए बंदा आया पूछने, भाई होटल मिल जाएगी आपको, रूम चाहिए क्या, रूम मिल जाएगा। तो रूम के लिए हम उनको बिठा के रूम के लिए रवाना हो गए। वहाँ गए तो बंदे ने रूम पे छोड़ दिया और वहाँ पे हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। जायसवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से नेपाल में पर्यटकों के साथ ये लूट का जो मामला सामने आया है, पीड़ितों का क्या कुछ कहना है इस मसले पर और इसको लेकर पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है। अजय, जो 9 वर्ष आ रहा अंग्रेजी 9 वर्ष लोग वहां घूमने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से वहां पे पर्यटकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो इन लोग के मोबाइल से ट्रांजेक्शन किया गया है वो इंडियन HDFC बैंक के किसी अशरफ खान के अकाउंट का है। और शाम तक फिर सूचना मिली कि 4 मेरठ के व्यक्तियों को बुरी तरह से वहां नेपाल में मारा पीटा गया है, वो लोग भी थाने में तहरीर दिए। लेकिन सोनोली कोतवाल का ये कहना है कि इसको उच्च अधिकारियों को आप प्रेषित करिए, इसमें हम लोग खाली एप्लीकेशन ले सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अजय जायसवाल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है,
पुलिस अब इस मामले पर और क्या बड़ी कार्रवाई करेगी? अधिकारी तो ठीक है, लेकिन पुलिस का भी तो जिम्मेदारी, पुलिस की भी तो जिम्मेदारी बनती है इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस के पास ये लोग तहरीर लेके पहुंचे तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि ये तहरीर मुझे देने से क्या फायदा, आप नेपाल में दीजिए, जो कि ये व्यक्ति जो है ये इंडियन है। उसके बावजूद यहाँ के सचों ने उनको मना कर दिया था, लेकिन बाद में फिर अप्लीकेशन उन्होंने लिया और बोला कि आप नेपाल में भी जाके एक अप्लीकेशन दे दीजिए। जब हम लोग नेपाल के भारत मैत्री नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष से इसके बारे में बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाई जाएगी। अजय जी, ये 5 पीड़ित हैं जिसके साथ ये मामला सामने आया है, और वो इस मसले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, किस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि ये लोग विश्व जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल के पशुपतिनाथ में है, शंकर भगवान का, वहीं ये लोग दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में कोई इनको रोका और उनके गाड़ी पे बैठ गया और कमरा दिखाने देने के बहाने ले जाके इनको बुरी तरह मार पीट करके इनसे 30,000 नगद और 24,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके इन लोगों को फिर वापस तकरीबन 10 किलोमीटर तक लाके छोड़ा ताकि ये लोग किसी से शिकायत ना कर पाए। लेकिन जब ये लोग इंडिया में आए तो इसकी सूचना भारत 24 के टीम को हुई और वो जाके इन लोगों से बातचीत करके फिर नेपाल तक हम उस खबर इन लोगों को लेके गए थे। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बता दें आपको कि ये मामला सामने आया है जहां पर जो पर्यटन है उसके साथ लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नेपाल में पर्यटक जो है घूमने गए थे, इस दौरान इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महोबा में बार एसोसिएशन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रेश बाबू अगुराई की उनकी समाज द्वारा आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित तमाम लोग वहां मौजूद हुए हैं। और इस दौरान बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर और साथ ही शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि महोबा शहर में एक निजी गेस्ट हाउस में कोड़ी समाज द्वारा आयोजित ये सम्मान समारोह में तमाम लोग मौजूद हैं। वही बदायूं पुलिस का अमान्य चेहरा सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला बदायूं के कोतवाली बिसौली चौकी, बता दें कि दवतौड़ी क्षेत्र गांव लक्ष्मीपुर का है बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने 3rd degree का यह मामला प्रकाश में आया है। गांव लक्ष्मीपुर निवासी तहनवीर पत्नी गुलशन का आरोप है कि भैंस चोरी के शक में चौकी दबोतरी पुलिस ने उन्हें शौहर तनवीर के हिरासत में ले लिया है। और साथ ही बता दें कि बहरहमी से 3rd degree दी है, जिसके बाद से बामुश्किल लगभग 60,000 रुपए लेकर शौहर तनवीर को छोड़ा गया है। घर पहुंचते ही शौहर तनवीर की तबीयत खराब होने लगी और आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर तनवीर के शरीर के साथ ही कानों में ही गंभीर चोट आई है। पुलिस की अमानवीयता सवालों पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बदायूं पुलिस आला अफसर मामले की जानकारी कराकर कुछ बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इसकी मतलब एक चार पहियों गाड़ी थी, दो क्या नाम मोटरसाइकिल थी, सारा फोर्स आ गया था। मेरे शौहर को ले गए घर से निकाल के, मैंने जब हाथ पैर जोड़े हाथ पैर पकड़े तो मुझे भी मारा, मेरे शौहर को मारा, थाने में ले जाके काफी बहुत ही मारा है, बिना कसूर मारा है, मेरे शौहर को ऐसा नहीं मारा, बहुत मारा, बिकट मारा। और 60,000 रुपये दे के तो छोड़ा है, पहले ले लिए 60,000 रुपये तो छोड़ा है मेरे शौहर को। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के भले ही कोर्ट के फैसले पर निर्भर है, लेकिन हरदोई के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अपनी सभाएं शुरू कर दी है। संडीला पहुंचे, बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने एक सभा को संबोधित किया और मथुरा मामले में कहा है कि सरकार को जो काम करना चाहिए नहीं कर रही है। हरदोई के संडीला नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे, बता दें कि यहां पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष नोमान नदवी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मथुरा में शाही ईदगाह में
सर्वे पर बयान देते हुए कहा है कि सरकार भूखे पेटों, नंगों और साथ ही बदन गरीबों का सर्वे कराती है और साथ ही इन्हीं सब पर वोट लेती है, जनता के हक के लिए काम करने में शपथ लेती है और ना कि मंदिरों की खुदवाने और मस्जिदों को सर्वे कराने की। साथ ही कहा है कि सरकार ने यह सब करके भारत की जो असल जरूरतें हैं उस पर तवज्जो देना चाहिए। चुनाव को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जनता का ये पर्व है, एक बड़ा त्यौहार है जनता का, अब उसको ये देखना है कि सही नुमाइंदा कौन है, सही कैंडिडेट कौन है जो उसके हक अधिकारों के लिए लड़ेगा और वाकई वो हकीकत में नगर पालिका का सही मानों में निर्वहन करेगा और जनता के काम आएगा। इसलिए मैं मुस्लिम का नगर पालिका संघीला में एक भव्य प्रोग्राम हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर पालिका संघीला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भारी मतों से विजयी बनाएगी। एक तरफ पूरे विश्व में क्रिसमस को लेकर उत्साह है, वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी क्रिसमस डे को लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। दूसरी तरफ आज तुलसी दिवस भी था, जिसको लेकर भी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी संस्था जो गरीब लड़की है उन्हें सिलाई कढ़ाई के साथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। वहीं तुलसी दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चियों ने मिलकर तुलसी की पूजा की और भजन कीर्तन भी किए। साथ ही बता दें कि इस दौरान तुलसी दिवस काफ़ी धूमधाम के साथ मनाते हुए बच्चे और साथ ही महिलाएँ नजर आए हैं। मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जागिए और अपनी सभ्यता से जुड़िए। हम ये नहीं कहते कि हाँ क्रिसमस बनाना गलत है, लेकिन हमको संता नहीं अब संत चाहिए और इसके लिए हमने मुहिम चलाई है कि हर वर्ष, मैं पिछले साल भी यहाँ पे तुलसी दिवस मनाया था, इस साल भी, कि अपनी संस्कृति जानिए, पहचानिए। तुलसी जो हमें जीवन देती है, हमें इतनी बीमारियों से बचाती है, जो घर में अगर है तो शुभ होता है, तो वो चीज संस्कार बच्चे सीखें और आगे बढ़ें और अपने आगे साथ में जो भी जो लोग जुड़े उनको सिखाएं भारतीय संस्कृति। बच्चों को संस्कृति से जोड़ना है, अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ना है ताकि उनको लगे कि हाँ आज कुछ उसके अलावा भी कुछ और है। किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया आपने? आज मैंने बच्चों के लिए तुलसी दिवस का आयोजन रखा था कि बच्चे जाने तुलसी के महत्व के बारे में और कुछ सांस्कृतिक भी कि हाँ हम अपने भजन के, बच्चे जो है ना डांस करना जानते तो वो डीजे टाइप के नहीं, आप अपने भगवान को जानिए, आप अपनी सभ्यता को जानिए, आप भजन कीर्तन करिए और उस पर डांस कीजिए। तो जब चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।